बकरी की शॉपिंग करेंगे ना ईद की, तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इनके सैंडले भी लाएंगे हील वाली, और इनके लिए हार बुंदे भी लाएंगे, और नाक की लोंग भी लाएंगे। कितने डर रही हैं, रमजान हमसे जुदा हो रहा है, बहुत बहुत दुख हो रहा है हमको। अब अगले साल पता नहीं हमें रमजान नसीब होगा या नहीं। दोस्तों ये देखिए, ये मैं पहली ईद को फ्रूट पहनने वाला, और ये दूसरी ईद को, और ये बुंदे मेरी बड़ी आपी के हैं, और ये उनको इतने पसंद आ रहे हैं देखे। और देखिए अलीबा के छोटे छोटे खेतर है। और ये हमारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बचपन की जिंदगी। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप जा भी हैं, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा हंसते मुस्कुराएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बचपन की जिंदगी। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम सारी बात करने से पहले आपको ये बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आज इतने दिनों बाद जोहा आई है हमारे साथ। इनको घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं होती जो ये वीडियो बना लें। 6 दिन से अपनी कहाँ गई थी, खाला के घर गई हुई थी। 6 दिन से खाला के घर गई हुई थी, और साबरी चौक गई हुई थी 2-3 दिनों से। इतने दिनों से वीडियो में नहीं आ रही। और ये देखिए, और दोस्तों मैं आपसे नाराज़ हूँ, क्योंकि आपने मेरे को मिस भी नहीं किया है ना लीजा। मुझे क्या पता नहीं किया। तो दोस्तों आज हम वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हम आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाएंगे। हमने एक बार पहले भी दिखाई थी तो वो सही वीडियो नहीं बनी थी, तो अभी हम आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाएंगे। तो हाँ, अपनी अभी ईद की शॉपिंग लेने गई है, तो अल्लाह ताला हम सबको ईद की ढेरों खुशियाँ दे, और जो यतीम है मतलब जो गरीब है उनकी भी ईद की शॉपिंग कराए। दोस्तों हम आपको अभी अपनी ईद की शॉपिंग दिखाएंगे। तो माशाल्लाह हमारी तो पूरी मुकम्मल शॉपिंग हो चुकी है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, तो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो आप बताइएगा कि हमारी कैसी चीज़ें आई हैं, अच्छी या मतलब नॉर्मल। तो हमें तो भाई जिसकी चीज़ होती है उसको तो अच्छी ही लगती है, तो हम आपसे भी मतलब मशवरा लेंगे कि हमारी चीज़ें कैसी आई हैं। तो अभी जोहा लेने गई हैं अपनी चीज़ें, और हमारी चीज़ें भी हमको पेटी में से निकालनी पड़ेंगी, और आपको दिखानी पड़ेंगी, और आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी जी। अच्छा अभी आप अंदर रखो, मैं आ रही। जोहा अभी अपनी शॉपिंग ले आए ना। देखिए दोस्तों अभी अलीशबा भी अपने ईद के कपड़े ले आई हैं, अभी इतने जोहा भी ले आए, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारे ईद के कपड़े हैं, ये मेरे, ये अलीशबा के हैं, ये मेरे। और दोस्तों अगर किसी के ईद के कपड़े नहीं बना तो अल्लाह ताला हमको भी ईद के कपड़े पहनने पसंद आ रहे हैं देखें। और ये मेरी बड़ी आपी के बुंदे, ये देखें आप कितने प्यारे बुंदे लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखें, ये मेरे बुंदे, ये देखें ऐसे। और ये देखें मेरे सूट में भी मैचिंग हो रहे हैं,
ये मेरे बंदे हैं और ये मेरी बहन है दूसरी वाली जो मेरे से बड़ी है, देखें ये उनके बंदे और ये उनके सूट में मैचिंग हो रहे हैं। और ये देखें ये मेरी अम्मी के हैं और ये भी मेरी अम्मी के सूट में मैचिंग हो रहे हैं, सबके मैचिंग के हैं। और ये दोस्तों ये हमारे सूट में मैचिंग हो रहे हैं, ये वाले केचर देखिए ये लिजबा के छोटे छोटे केचर हैं। और ये हमारे ये एक टॉप से और दूसरे बैग ये और ये पोनिया है। ये वाला टॉप दिखाओ, ये एक नग वाला और ये देखे दिखाओ मेरे मम्मी की चप्पल। ये देखो दोस्तों ये मेरी चप्पल है, ये वाली इतनी बड़ी बड़ी चप्पल है, दो नंबर है। और ये हसन, और ये हसन भाई की, ये देखो नंबर सारा। अब नंबर भी दिखाओगे चप्पल के साथ? चप्पल पे नंबर नहीं होता। तो हम अपनी बकरियों के बाड़े में आ चुके, आ जाओ सारे एक एक करके। ये देखिए छोटी सी बकरी है, देखिए दोस्तों हम सब भाग रहे हैं लेकिन जोहा नहीं आई, जोहा लो। और देखिए अब जोहा भी आ चुके हैं, टक्कर खानी थोड़ी है मेरे को। नहीं मैं आपकी टक्कर, इतना भी नहीं डरा करो, ऊपर से आ जाओ। देखिए दोस्तों ये हमारी रानी कितने डर रही है, और ये देखिए दोस्तों ये देखे हमारी बकरी कितनी अब्सुर्द हो रही है कि रमजान जा रहे हैं और अब इनके छिलके जो खाते हैं इनके मजे खत्म हो जाएंगे। आप इसलिए अपन ने इनके ईद के सूट तो नहीं लिए, इंशाल्लाह हम इनकी भी शॉपिंग करेंगे, इनके सैंडले भी लाएंगे हील वाली, और इनके लिए हार बुंदे भी लाएंगे और नाक की लोंग भी लाएंगे और इनकी फराके भी लाएंगे और इनके भी और बुंदे वगैरह भी लाएंगे और इनके भी लाएंगे और इसकी पैंट शर्ट लाएंगे, इसकी पैंट शर्ट लाएंगे और लड़कों वाली उसामा भेज देती चप्पलें भी ले आएंगे और उसकी उसके इसके भी छोटी सी फराक ले आएंगे। ये रानी है ना, इसके रेड कलर के फ्रॉक लाएंगे, जैसी भी लाए लेकिन फ्रॉक लाएंगे, इनकी भी शॉपिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। और ये राजा है, बकरी की शॉपिंग करेंगे ना ईद की तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। शॉपिंग होती है दोस्तों, हम बहुत जैसे क्या जैसे रमजान हमसे जुदा हो रहा है, हम बहुत दुख हो रहा है हमको, अब अगले साल पता नहीं हमें रमजान नसीब होगा या नहीं। तो हमारे घर पे ना रंग हो रहा है और दोस्तों इनके घर पे रंग हो रहा है, हम भी करवाएंगे इंशाल्लाह ईद के बाद। इनकी शक्ल तो दिखाई कौन है, हमारे घर पे रंग हो रहा है अभी अभी लगा हुआ है अंकल, अभी इनके बैठक में हो रहा है कि जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, आपको हमने वो कमरा दिखाया है, अपन ने चलाया था ना दोस्तों। जी दोस्तों हमने अगर ईद के हम लोग छत पर चली जाएंगे, हम ईद के बाद ना हम भी कलर करवाएंगे क्योंकि हमारी बहन की भी शादी और हमने ईद का एक ही सूट बनाया, आपको भी हमने पहले ये बात बताई थी, एक एक ही सूट बनाया, एक एक चप्पल मतलब चप्पल तो एक ही होती है। धूप कितनी कड़क हो रही है, वैसे सुबह से माशाल्लाह बहुत हवा चल रही है लेकिन धूप भी बहुत कड़क हो रही है, देखिये सूरज हमारे सर पे ही सवार है, अब अंदर ही रहो। और देखे दोस्तों जोहा की चीखें आप सुन रही होंगे, इतनी डरपोक है, इतने इतने से बच्चे बकरियों के पास जाते हैं लेकिन ये इतनी बड़ी होके भी डर रही है बकरी से। आप हमको चीखें सुनाते हो, हम बात करते हैं, बस उनको छोड़ो अंदर ही। देखे दोस्तों कितनी धूप हो रही है, आप भी देख सकते हैं, देखे अभी इनके छपरे के ऊपर, ये देखें ये तरबूज के छिलके सूखे हुए, लेकिन ईद के बाद नहीं होंगे क्योंकि ईद के बाद तो रमजान ही खत्म हो जाएंगे। देखिए हमारी बकरी कितनी अब्सुर्द हो रही है कि रमजान जुदा हो जाएंगे, इनको छिलके भी खाने को। अभी रमजान में जो रोजे रखते हैं ईद उसके लिए तोहफा होती है ना। जी यस, स्टार्ट से अपने कमरे में आ गए, आपको अपना कमरे दिखाना है क्योंकि ईद से पहले आप भी अपने घर की सफाई में मसरूफ होंगे, हमारी तरह जैसे हमने अपने घर की सफाई कल कर ली थी, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने घर की सफाई कैसे करी और आप भी बहुत मसरूफ होंगे इसकी शॉपिंग करने में। हमने देखे पूरा घर समेटा, ये बर्तन उठा के सारे बर्तन धोए और देखे जाले वगैरह साफ करें घर के, ये देखे दोस्तों हमने पंखा भी साफ किया है, कितना चमक रहा है, और दूसरे कमरे की भी सफाई की है। ये किसका मुन्ना है, ये किसका मुन्ना है, मुन्नी है भाई, बिना भाभी के नहीं है, मुन्नी है ये हमारी दीदी। ओ ये वाला कमरा भी साफ किया ईद के लिए, ईद के लिए पूरा घर ही साफ किया तकरीबन। आप ही आपने जाल वाले
जी। और आपसे पहले मेरे ईद पे ना 300 रुपए जमा होते थे, अब 1000 रुपए हो गए। क्यों? अब मेरे पीछे खुल रही है 300 की, 300 की खुल रही है खाली। कितने की? 300। 1000 के संग खाली 300 की बीसी है। दो सौ नहीं, 1000 बोल रहे हो, 1000 बोल रहे हो ना? दो देखो, 300 बीसी खुलेंगे, 500 50 रुपए देंगे, 50 रुपए और पापा 100 रुपए और कुछ देंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमने आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा दी और घर में जानवर और घर मतलब जो हमने सफाई की वो भी दिखा दी है। वैसे तो आप भी सफाई में मसरूफ होंगे, तो इसलिए आप हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो पूरी पूरी देखिएगा।